हाय, गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम घर में ही घी और पनीर बना रहे हैं। हम 1 लीटर दूध लेते हैं डेली का, और उसको हम अच्छे से खौला लेते हैं। एक बार अच्छे से खौल जाता है, उसके बाद हम उसको सिम में करके कम से कम 10 मिनट फिर खौलाते हैं। फिर उसको उतारते हैं, ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि मोटी परत की मलाई बनती है। उस मलाई को हम निकालते हैं। मलाई को ऐसे करके हम निकला हुआ मलाई को हम डब्बे में रखते हैं, और डब्बा बंद करके फ्रीजर में रखते हैं। कम से कम 10-15 दिन हो जाता है, उसके बाद ही हम उसका घी बनाते हैं। जैसे ये हमारा 10-12 दिन का बना मलाई है, इसको हम आज पहले घी बनाएंगे, उसके बाद पनीर बनाएंगे। इसके लिए हम एक गंजे लिए हैं, इससे बड़ा, जिससे हम उसमें काम कर सके। इसके लिए हम 2 गिलास करीब पानी लिए हैं। जितना ज़रूरत है उतना कम ज़्यादा भी पानी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 गिलास ही पानी चाहिए। इसके बाद हम लकड़ी की दलघोटनी है, इसी में मैं ऐसा थोड़ा देर, कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर ऐसे कर लूँगी, मतलब मैच करते रहूँगी, फिर ऊपर मक्खन आ जाएगा। देखो, ये इसका मक्खन ऊपर आ गया है, ये पूरा मक्खन बन गया है। और इसको हम हाथ में थोड़ा पानी रखेंगे, और पानी रख के हाथ से ही ऐसे निकाल लेंगे। इसका पानी अतिरिक्त से निकाले हैं तो अतिरिक्त आ गया है, उसको हम फिर से इसमें डाल देते हैं। चाहे तो इसको आप मही भी बना सकते हैं कढ़ी के लिए। इसमें थोड़ा सा जावन डाल दीजिए और इसको फिर एक बार ऐसे घोल दीजिए, और मही बना तो कढ़ी बना लीजिएगा। बाकी हम इसका पनीर बनाएंगे। इसको हम अब गैस में चढ़ा लेते हैं। गैस ऑन कर दिए हैं। ये कम से कम 5 मिनट तक पकेगा। इसमें थोड़ा हम चम्मच चलाते जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे करके घी बनेगा। इसमें चम्मच, इसको चम्मच चलाते जाते हैं ताकि नीचे बैठे मत। अब देखो, घी आना ऊपर से चालू हो गया है। इसको हमको पकाने के लिए 10-15 मिनट लगता है फूल तावे से। ऊपर ऊपर में घी दिख रहा है, इसको अच्छे से रखना है। हमारा घी पूरा तैयार हो गया है, पूरा ये देखो बन गया है। ये इसको अब हम छानेंगे। हम छान रहे हैं घी को एक प्लेट में, कटोरी में। और देखो, घी निकल रहा है मस्त, अंदर से पीला दिख रहा है। अपना घर का शुद्ध घी, बाहर में मिलावट रहता है, इसलिए घी, दूध तो हम लेते ही हैं, तो हमको चाहिए कि हम थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर का ही घी निकाल लें। अपने बच्चों को लिए घी, अपना ही घी निकालना बहुत अच्छा रहता है। एक कटोरी घी था 10 दिन का, एक कटोरी मलाई था, उसका इतना घी निकला है। ये करीब ना 1 पाउंड कप तो होगा ही है, होगा।
ये हमारा पान पाव घी बन गया है एक कटोरी घी से। अब हम पनीर की तैयारी करते हैं। पनीर बनाने का गैस जला दिए हैं। हम मलाई निकाले थे, उसका क्या बोलते हैं, जो बचा हुआ मलाई निकाले थे उसका बचा हुआ है, उसका हम गरम कर रहे हैं। इसका हम पनीर बनाएंगे। इसको अच्छा से हम खौलने देते हैं। अभी इसमें उबाल आ गया है, गरम कर रहे थे इसमें, तो अभी एक ठो कटा हुआ हम नींबू डाल देते हैं। नींबू इसलिए डालते हैं क्योंकि खट्टा रहता है तो वो दूध जैसे फट जाता है, वैसे ये भी फट जाता है, फिर ये पनीर बन जाता है। नींबू का रस डालने के बाद एक दो मिनट खौला, फिर अभी इसको हम बंद कर देते हैं। गंजी लिए हैं, इसमें कपड़ा डाल दिए हैं, फिर इसको हम डालते हैं। इसको छान लिए थे, एक बार फिर हम इसमें पानी डाल के खट्टापन, इसमें जो दूर है खट्टापन है उसको दूर करने के लिए फिर हम पानी डाल के छान रहे हैं। अब इसको ऐसे उठा लेते हैं। उठाने के बाद ऐसे करके निचोड़ लेते हैं, जितना पानी निकल सके वो निचोड़ लेते हैं। हमारा इतना पनीर बना है ये, और इतना घी बना है, और दोनों बन गया है। घर के दूध से और कोई मेहनत नहीं लगता है, बस उसी से थोड़ा सा मेहनत करो तो घी भी बनता है, पनीर भी बनता है, और इसमें कुछ खर्चा भी नहीं आता है, वही दूध से बन जाता है और शुद्ध रहता है। बच्चों को अपना शुद्ध खिलाइए, जैसे मैं अपना बेटी और मेरे पोती को खिलाती हूँ, ऐसे घर का ही खिलाती हूँ। हमेशा मैं खीर बनाती हूँ घर में, और मैं चाहती हूँ वैसे आप लोग भी बनाइए। और एक बार मेरे ज़रूर बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए गोदावरी किचन में। धन्यवाद।